रियल स्टेट में किसी भी प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने से पहले डेवलपर्स की गुडविल, पास्ट प्रोजेक्ट्स, करंट प्रोजेक्ट की लोकेशन और करंट प्रोजेक्ट की सरमायाकारी में मौजूद पोटेंशियल को फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दानियाल नासिर, सिटी बीकन सेल डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे सिटी हाउसिंग खारियों के हवाले से। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है और जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी किया जाना चाहिए। तो सिटी हाउसिंग खारियों पर भी हम सेम वही फैक्टर्स अप्लाई करेंगे और आपको इसके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं और इनके जो पास एक्सपीरियंस है और उनकी जो डिलीवरी है, वहाँ पे जो लोगों को प्रॉफिट है और प्लस जो करंट प्रोजेक्ट में जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसकी क्या लोकेशन आ रही है और इसका पेमेंट प्लान क्या है और कितने पोटेंशियल वाली है और किस बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको यकीनी तौर पर इंशाल्लाह मुनाफे वाली सरमाकारी हो सकती है। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सिटी हाउसिंग के जो डेवलपर्स हैं मेजर आमिर मलिक साहब और इनके बेटे जुरेज मलिक, ये दोनों इसके ऑनर्स हैं और मेजर आमिर मलिक साहब जो हैं ये मलिक रियाज साहब के दामाद भी हैं। व्यूअर्स, इन्होंने पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए, सब सबसे प्रॉफिट पे हैं। उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उसमें आपको सिटी हाउसिंग झेलम, सिटी हाउसिंग फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला, इन तमाम पांच डिफरेंट सिटीज़ में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और सब सबसे प्रॉफिट पे हैं। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, छठा प्रोजेक्ट जो करने जा रहे हैं सिटी हाउसिंग खारियों के नाम से, जो कि खारियों में करने जा रहे हैं, तो इसकी जो लोकेशन आ रही है बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आ रही है, सराय आलमगीर और खारियों के बीच में। खारियां सिटी से इसकी 15 मिनट की ड्राइव पे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं और सराय आलमगीर से आप इसको 8 किलोमीटर की ड्राइव से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसकी जो लोकेशन के हवाले से आपको बताना चाहूँगा, इसकी लोकेशन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है और बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है। वर्ड्स, यहाँ पे आपको कैटेगरी के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 3 साल का पेमेंट प्लान भी दिया गया और बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसमें आपको 36 मंथली इंस्टॉलमेंट करनी पड़ती है, यानी कि 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 36 मंथ्स में। तो वर्ड्स, यहाँ पर आपको 5 मरला, 3 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, इन तमाम कैटेगरीज की आपको चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। वर्ड्स, आपको यहाँ प्राइसेस के हवाले से अपडेट करना चाहूंगा, यहाँ पे जो 3 मरला की प्राइस है टोटल अमाउंट वो 13,50,000 है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 3 लाख है और यहाँ पे 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का प्लान दिया गया, यानी कि 3 साल में आपने 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी आपको। और इसका जो क्वार्टरली 3 मरला का जो बनता है वो आपको 87,500 बनता है, यानी कि 87,500। और 5 मरला की यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो 22,95,000 है और डाउन पेमेंट इसकी 4.5 लाख बनती है और 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,53,750 है। और 7 मरला की जो है यहाँ पर अमाउंट, टोटल अमाउंट वो 29,90,000 है और डाउन पेमेंट यहाँ पे 6.5 लाख करनी पड़ती है आपको और 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,95,000 है। और 10 मरला की आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 42,50,000 इसकी टोटल अमाउंट है 10 मरला की और डाउन पेमेंट आपको 7,50,000 करनी पड़ती है और इसकी 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो 2,91,667 है। और 1 कनाल के यहाँ पे जो प्राइस है वो 69,90,000 है और डाउन पेमेंट आपको यहाँ पे 12,50,000 करनी पड़ती है और इसकी जो 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो आपको 5,61,667 करनी पड़ती है। और 2 कनाल के यहाँ पे 1,49,90,000 है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 20 लाख करनी पड़ती है। और 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के हवाले से यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो आपको 10,82,500 है। तो वर्स ये था इसका पेमेंट प्लान। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, लमसम पेमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 5% डिस्काउंट की भी ऑप्शन दी गई है। और एक चीज़ ये कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो चार्जेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड है इस प्राइसिस में और प्रोसेसिंग फ़ी कोई आपको नहीं पे करनी पड़ती। तो वर्स उम्मीद है आपको सिटी हाउसिंग खारियों के हवाले से जो हमने आज डिस्कशन की वो उसके हवाले से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको स्ट्रॉन्गली कंसीडर कर सकते हैं। इसमें इंतहाई रीजनेबल डाउन पेमेंट है, इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल हैं और हिडन चार्जेस नहीं है। वैसे इनकी जो प्रीवियस डेवलपमेंट है वो आपको बहरिया के लेवल जैसी देखने को मिलती है, तो आपको मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो नेगेटिव वाला फैक्टर हो जिसकी बेस पर आप कह सकें कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क मौजूद है। तो बाकी अगर आप इसको कंसीडर करते हैं और बुकिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर आ रहा है इसमें आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी होगी। सिटी हाउसिंग खारियों का बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें आप डायरेक्ट पेमेंट करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। सीडीपी प्रॉपर्टीज इसमें बुकिंग कर रहे हैं और अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, मजीद किसी भी तरह की डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जो वेबसाइट है www.cdbrealestate.com और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जो हैं रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।